नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। जनपद प्रयागराज में साइबर ठगों द्वारा फोन कॉल कर परीक्षाओं में पास करवाने का लालच देकर ठगी करने के संबंध में सतर्क रहने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा की गई अपील। इनकी घटनाएं होती हैं, उनमें दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ पे देसी बम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो बम बनाते हैं या चलाते हैं ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ कोई की विशेष ड्राइव की जा रही है या क्या कुछ किया जा रहा है? पहले, काफ़ी पहले की बात करें, 4-5 साल 6 साल पहले की, तो बमबाजी की घटनाएँ ज़्यादा होती थी। इधर बीच में काफ़ी गिरावट आई है और पिछले 5 माह में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। जब घटनाएं हुई तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए पूरे ज़िले भर में पूर्व में जो भी बमबाजी की घटनाएं हुई थी, जहां पे देशी बम सुतली बम फेंका गया था, उन सब के आंकड़े निकाले गए हैं और उन पर फॉलो अप एक्शंस किया जा रहा है। जितने भी मामले निकले ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ये घटनाएँ कारित की थी वो दोबारा तो ऐसी घटनाओं में संलिप्त नहीं है, दोबारा तो बम बनाने इत्यादि की कार्रवाई में लिप्त नहीं है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। इसमें अभी काफ़ी कार्रवाइयां भी हुई हैं, ऑपरेशन पाताल के तहत भी काफ़ी लोगों को बम के साथ पकड़ा गया है, देशी बम के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा गया है। आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी और कोशिश यह किया जाएगा कि जो भी बम बनाते हुए या बम बनाने की सामग्री को का भंडारण करते हुए या अवैध रूप से इन सब चीज़ों का परिवहन करते हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ सुसंगत कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि इन इस तरह की घटनाओं में जिससे सनसनी भी फैलती है और दहशत का माहौल फैलता है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की जाए। ये यूपी बोर्ड से बताकर फेक कॉल्स आ रही हैं लोगों के पास, उनके बच्चे फेल हो गए, उन्हें हम पास करा देंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं अपने प्रयागराज जनपद वासियों को आगाह करना चाहता हूँ, इसे अपील भी करता हूँ कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, चीटर्स होते हैं, ठग लोग होते हैं, वो किसी न किसी बहाने आपको फ़ोन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे को, बेटे को, बेटी को यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पास कराने के लिए, उन्हें ज़्यादा अंक दिलवाने के लिए या नौकरी लगवाने के लिए या इसी तरह से और भी तमाम तरह की झांसे वो देते हैं। आप उनके जाल में कई बार फंस जाते हो, फिर वो आपसे कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट, कुछ रुपया, 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख किसी एक अकाउंट नंबर में डलवाते हैं, या फिर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर और एक उसका पिन हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से आपका पैसा जो आपकी मेहनत से कमाया हुआ है वो ठगों के हाथ में चला जाता है, आपको काफ़ी नुकसान होता है। और ये ठग कोई काम भी नहीं करते हैं और कई बार ये उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे एक नाम बहुत बार आता है, जामताड़ा, झारखंड और भी तमाम जगहें हैं, वहाँ का नाम आता है, वहाँ से बदमाश ऑपरेट करते हैं और हमारे भोले भाले लोगों का मेहनत से कमाया हुआ रुपया पैसा ठग लेते हैं। ऐसे ठगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसें, क्योंकि आप चूँकि आप खुद भी ये गलत काम करने में शामिल होते हो, इसलिए आप खुद भी शिकायत नहीं कर पाते हो, उसमें संकोच करते हो, आपको डर रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यदि किसी कारणवश आप फंस गए हैं इन चीटर्स के जाल में, तो प्रयागराज पुलिस आपकी मदद करने के लिए तैयार है और इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आपके पास आते हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा या फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जो प्रयागराज में या प्रयागराज के बाहर या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी ज़िले में, किसी प्रदेश में बैठ करके और अपनी काली करतूतों से भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप झिझक ना करें, संकोच ना करें, SSP प्रयागराज के कार्यालय में आएँ या 94-54-28-63 ये जो ज़िला कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर कॉल करें, आपकी यथासंभव मदद की जाएगी। यदि आप प्रयागराज के निवासी हैं और इस तरह की कॉल्स आपको आती हैं तो बेझिझक, बेसंकोच आप हमारे SSP ऑफिस में आएं, आपकी समस्या सुनी जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा
और ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें काम करेंगी और आपको न्याय दिलाया जाएगा। यदि पैसा आपका गया तो पैसा भी दिलाने का काम प्रयागराज पुलिस करेगी, लेकिन यदि ऐसे लोगों का निवास स्थान कहीं और जगह है, मिसाल के तौर पर गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कहीं और के रहने वाले हैं, तो आप अपने ज़िले की पुलिस को संपर्क करें, वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति या जिसके द्वारा जिससे ठगी का प्रयास किया जा रहा है वो हमारे प्रयागराज जिले के हैं, तो बिना समय गंवाए वो हमारे पुलिस कार्यालय में आ सकते हैं, आपकी समस्या दर्ज की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। ऐसे चीटर से, ठगों से, फ्रॉडस्टर से, साइबर क्रिमिनल से सावधान रहें, सावधानी ही बचाव है। जय हिंद।